गाइस मैं हूं रयान। आज की वीडियो में काफी खतरनाक सा वाटर एनिमल मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूं। गाइस आज मैं खरीद के लेके आ चुका हूं आरसी हिप्पोपोटामस। गाइस आज पहली बार पूरे यूट्यूब पे मैं ही इसको अनबॉक्स करके ये तालाब के अंदर आपको चला के बताने वाला हूं। इसको मैंने खरीदा है बैंगगुड से, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अगर आप चाहे तो ये हिप्पोपोटामस को खरीद सकते हो। चलो गाइस फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। उससे पहले इसका बॉक्स देख लो, इस तरीके का आ जाता है। इसके दो मेन फीचर्स है, ये फ्री चेंज डायरेक्शन कर सकता है, यानी कि इसके पीछे काफी खतरनाक वाले प्रोपेलर लगे हैं। साथ में ये अपने आईज को और ईयर्स को मूव भी कर सकता है एक बटन दबाने से रिमोट कंट्रोलर के अंदर। बाकी बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन करके बता देता हूँ। यार आपने अभी तक ये वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से दबा देना। ये है इसकी फुली सील्ड बैटरी, ये एक रिचार्जेबल बैटरी है, इसके अंदर बैटरी फिट हो जाएगी। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, रिमोट ठीक ठाक क्वालिटी का मेरे को लग रहा है। बाकी गाइस देखो, ये हमारा हिप्पोपोटामस। ये कान देख रहे हो गाइस इसके, ये ईयर्स को भी ऐसे ऊपर नीचे ये कर सकता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाया गया है। बाकी यहाँ पे बारीक बारीक आपको जो होल्स दिख रहे हैं, इसके अंदर से ये पानी का फव्वारा भी फेंक सकता है। दिखने में यार एक बेबी हिप्पोपोटामस जैसा ये दिखाई दे रहा है। बाकी नीचे की तरफ देखो, यहाँ पे बैटरी लग जाएगी कम्प्लीटली, वाटर प्रूफ सील्ड इसको दिया गया है। ये इसको ऑन ऑफ स्विच है। यहाँ पे है गाइस इसकी मेन चीज, यहाँ पे देखो इधर एक प्रोपेलर है, इधर एक प्रोपेलर लगा हुआ है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से मेरे को ठीक ठाक लग रही है। बाकी देखते हैं गाइस इसको चला के ये कैसा चलता है पानी के ऊपर। ये हिप्पोपोटामस की मैं फाइट कराने वाला हूं, रेस कराने वाला हूं बहुत सारे वाटर एनिमल्स के साथ। गाइस मेरे पास डॉल्फिन है, शार्क है, गोल्डन शार्क है, बेबी क्रोकोडाइल है, बड़ा वाला क्रोकोडाइल का हेड भी है, साथ में एक रियलिस्टिक सी दिखने वाली टक भी है। तो काम करते हैं, सबसे पहले ये हिप्पोपोटामस को मैं चला के दिखाने वाला हूं। तो इसको पहले यहां से ऑन कर देते हैं। ऑन करते ही भाई ये कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। रिमोट को भी ऑन कर देते हैं, ये रिमोट भी ऑन हो चुका है। तो गाइस देखो यार, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है ना, देखो ये इसके आईज जो है इस तरीके से हिला रहा है, साथ में देखो अपने ईयर्स भी मूव करा रहा है ये। ओ माय गॉड, काफी सही फीचर दिया गया है भाई इसके अंदर। तो एक बार इसको चलाते हैं अभी। ये देखो गाइस, अरे ओ यहाँ पे देखो गाइस, जैसे कि रियल हिप्पो सांस लेता है ना यार, देखो ये हमारा हिप्पो जो है यहाँ से सांस ले रहा है। तो गाइस अभी इसको चलाते हैं यार, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मेरे को लग रही है। ओ भाई साहब, गाइस सच्ची में यार ये तो काफी सही तरीके से चल रहा है। टर्न करा के लेके आते हैं, टर्न भी बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है। सामने लेके आता हूँ अभी मैं इसको। ओ स्पीड तो देखो गाइस इसकी, ऐसे लग रहा है कि यार कोई एक रियल हिप्पो पानी के अंदर तैर रहा है। वाओ भाई मजा आ रहा है इसको चलाने में। देखो भाई मेरे को तो लगा था कि इसके वेट के कारण मैं इसको जैसे ही रखूंगा ना तो ये आधा पानी के अंदर डूब जाएगा, पर देखो जस्ट थोड़ा सा ही डूब रहा है। बाकी अगर भाई इसको स्विमिंग पूल में हम लोग किसी के साथ प्रैंक करेंगे ना, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। अब देखो इसको चलाते चलाते इसका स्प्रिंकलर ऑन करते हैं। ये इसका बटन है, देखो मैं जैसे ही दबा रहा हूँ इसका स्प्रिंकलर जो है ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। बाकी अभी देखो इसके आईज का जो ये वाला बटन है, ये बटन मैं जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ इसके ईयर्स मूव कर रहे हैं, साथ में इसके आईज भी यहाँ पे इस तरीके से मूव करने लग रहे हैं। ओ माय गॉड, जब मैं इसको लेफ्ट टर्न करा रहा हूँ ना गाइस, ये बहुत तेजी से ले रहा है। जब इसको मैं देखो इस तरीके से राइट टर्न करा रहा हूँ ना, तब ये काफी बड़ा लंबा सा टर्न ले रहा है। बाकी चलने में एक नंबर है, काफी ज्यादा मजा आता है यार इस तरीके की चीजें पानी में चलाने में। मेरे पास ये क्रोकोडाइल का हेड भी है दोस्तों, इसको भी एक बार चला के दिखाता हूँ पानी के ऊपर, देखते हैं क्या ये हिप्पोपोटामस से अच्छा तैर पाएगा या फिर नहीं। इसको मैंने पानी के ऊपर रख दिया है, ये काफी ज्यादा हल्का फुल्का होता है यार। देखो पता नहीं ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है, पर इसको मैं जैसे रख रहा हूँ काफी आराम से ये पानी के ऊपर तैर रहा है। ये देखो इसके भी पीछे दो बड़े बड़े प्रोपेलर्स लगे हैं। ओहो वाओ गाइस, इसकी स्पीड देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यार। ये भी दिखने में बिल्कुल जैसे एक रियल क्रोकोडाइल दिखती है ना, वैसे ही ये भी दिखाई दे रहा है। ये देखो गाइस 360 डिग्री टर्न भी ये काफ़ी स्मूथली ले रहा है यार। वाओ, ये है एक इंडियन डक गाइस, ये भी पानी के ऊपर तैर सकती है। चलो इसको भी पानी के ऊपर एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये भी मैं इसको यहाँ पे रख दिया हूँ गाइस। ये इसका रिमोट कंट्रोलर है, ठीक है। देखो बिल्कुल एक आरसी का रिमोट जैसा होता है ना, वैसे ही रिमोट इसके साथ भी दिया गया है। इसके पीछे भी काफी दो बड़े बड़े साइज के प्रोपेलर्स दिए गए हैं। दिखने में भाई ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है यार। ये देख लो गाइस क्या ही तैर रही है यार, ये हमारी रियल वाली डक। वाओ, टर्न करा रहा हूँ इसको मैं यहाँ से, देखो कितने अच्छे तरीके से ये टर्न हो रही है।
यार अगर ये थोड़ा यहाँ से दूर चली जाए ना तो भाई कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये कोई इलेक्ट्रिक डक है। मेरे पास ना गाइस बेबी क्रोकोडाइल भी है, ये भी पानी के ऊपर काफी अच्छे तरीके से तैर सकता है। तो इसको भी एक बार पानी के ऊपर रख के आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस स्टार्ट हो चुका है हमारा बेबी क्रोकोडाइल। इसको मैंने 2 साल पहले खरीदा था, आज भी देखो गाइस पहले के जैसा ये पानी के ऊपर तैर रहा है। इसको चलाने के लिए ये दोनों ट्रिगर्स का यूज करना पड़ता है। देखो ये लेफ्ट ट्रिगर है, ये राइट ट्रिगर है। जैसे जैसे इसका मैं लेफ्ट ट्रिगर राइट ट्रिगर करूंगा, देखो ये अपनी पूंछ इस तरीके से हिलाने लगता है। ये प्रोपेलर की हेल्प से भी तैरता है, साथ में अपनी पूंछ की हेल्प से भी तैर सकता है। दोस्तों सबसे पहले रेस कराते हैं हिप्पोपोटामस वर्सेस ये बेबी क्रोकोडाइल के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है रेस में, देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। चलो गाइस दोनों को यहाँ पे पानी के ऊपर मैं रख देता हूँ, अभी रेस कराने वाले हैं। 3, 2, 1 और ये लोग गाइस रेस स्टार्ट हो चुकी है। हिप्पोपोटामस की स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा है, ओ माय गॉड यार ये तो काफी ज्यादा तेज निकला। देखो गाइस क्रोकोडाइल अभी आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंची है, तो एक काम करता हूं मैं यहां पे हिप्पोपोटामस को टर्न करा लेता हूं। दिखने में यार एक बेबी हिप्पोपोटामस जैसा ये दिखाई दे रहा है, मेरे को नहीं लगता ये हिप्पोपोटामस से स्पीड चल पाएगी। क्लियरली गाइस यहां पे पहली जो रेस है हमारा बेबी हिप्पो जीत चुका है। तो अब रेस होने वाली है हिप्पोपोटामस वर्सेस ये डक के बीच में, देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है। चलो यहाँ पे रख दिया है मैंने दोनों को ही। 3, 2, 1 और ये दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। बेबी हिप्पो अभी भी मेरे को थोड़ा सा फास्ट लग रहा है गाइस डक के मुकाबले में। डक इसके पीछे लगी हुई है भाई, यार डक बहुत ज्यादा पीछे हो रही है गाइस। ये देखो बेबी हिप्पो काफी फास्ट अभी तैरने लगा है। वाओ ओ गाइस देखो हिप्पोपोटामस यहां तक पहुंच चुका है और ये रेस को जीत भी चुका है। ओ माय गॉड गाइस इसने दूसरी रेस जीत ली है अब तक। आज तो हिप्पोपोटामस का जलवा ही जलवा लग रहा है, 2 रेस ये जीत चुका है। अब देखते हैं गाइस क्या ये गोल्डन शार्क को ये हिप्पो रेस में हरा पाएगा या फिर नहीं। चलो दोनों को भी मैंने पानी के ऊपर रख दिया है, रेस स्टार्ट होने वाली है गाइस, देखते हैं क्या होता है। 3, 2, 1 और ये देखो गाइस रेस स्टार्ट हो चुकी है। ओ भाई अपनी जो गोल्डन शार्क है ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है क्योंकि इसका रिस्पांस थोड़ा सा मेरे को लेट लग रहा था। बाकी देखो यार हमारा हिप्पो जो है काफ़ी दूर तक पहुंच चुका है। अब हिप्पो ने यहाँ से टर्न भी ले लिया है काफ़ी इजीली। ओ माय गॉड मेरे को नहीं लगता गाइस ये शार्क यहाँ पे जीत पाएगी। ओ भाई शार्क देखो पहले ही टर्न ले चुकी थी फिर भी यार शार्क इसको हरा नहीं पा रही है। क्लियरली यहाँ पे भी आरसी हिप्पो जीत चुका है रेस। गाइस ये जो हिप्पोपोटामस है काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, अब ये रेस करने वाला है अपनी क्यूट सी डॉल्फिन के साथ। देखते हैं गाइस क्या ये इतनी तेज तर्रार डॉल्फिन को रेस में हरा पाएगा या फिर नहीं। चलो दोनों को मैंने पानी के ऊपर रख दिया है, रेस को स्टार्ट करने वाला हूँ अभी मैं। 3, 2, 1 और ये लोग इस रेस स्टार्ट हो चुकी है। डॉल्फिन थोड़ा सा आगे निकलने के लिए पूरा ट्राई कर रही थी पर भाई साहब ये जो हिप्पोपोटामस है काफी ज्यादा तेज है यार, काफी आसानी से आगे निकल चुका है। स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा था कि ये डॉल्फिन इसको कड़ी टक्कर देगी पर देखो यहाँ पे डॉल्फिन बहुत ही ज्यादा पीछे हो चुकी है और हिप्पो वापस ये रेस को जीत चुका है। अब होने वाली है एकदम फाइनल रेस, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। ये क्रोकोडाइल तो बहुत फास्ट से तैर सकती है क्योंकि ये हल्की फुल्की है, ये थोड़ा सा वजन है, देखते हैं गाइस क्या ये इसको हरा पाएगा या फिर नहीं। चलो 3, 2, 1 और ये दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो चुकी है। ओ भाई साहब इस बार देखो यार गेम पूरा पलट चुका है, क्रोकोडाइल की स्पीड काफी ज्यादा है गाइस, क्रोकोडाइल काफी आसानी से आगे निकल चुका है। यहाँ से मैं टर्न करा लेता हूँ। वो क्रोकोडाइल भाई देख रहे हो कितनी तेजी से तैर रहा है पानी के ऊपर, पर इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे लहरें भी आ रही थी। ओ नो 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 क्रोकोडाइल थोड़ा सा टर्न ले रहा था। बाकी गाइस यहाँ पे क्रोकोडाइल जीत चुका है रेस को। कब तक फॉर कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। ये थोड़ी सी भारी भरकम है अपनी हिप्पो के मुकाबले में। दोनों को मैंने पानी के ऊपर रख दिया है। 3, 2, 1 और ये दोनों के बीच में फाइट चालू हो चुकी है। ओ तेरी भाई साहब हिप्पो देखो पूरी कोशिश कर रहा है इसको हराने के लिए। ओ नो डक इसको खींच के लेके जा रही है गाइस, पर देखो हमारा जो हिप्पो है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। देखो इस हिप्पो पूरी सांस लेकर इसको खींच रहा है। वाओ आरसी हिप्पो के प्रोपेलर्स बहुत पावरफुल होने के कारण इसने इतनी भारी भरकम डक को भी टगोफर में हरा दिया है। दोस्तों अब टगोफर में कराने वाला हूँ आरसी हिप्पो वर्सेस आरसी बेबी क्रोकोडाइल के बीच। 2, 1
ये स्टार्ट। ये दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। आरसी हिप्पो काफी पावरफुल मेरे को लग रहा है, पर ये बेबी क्रोकोडाइल को भी आप कम मत समझना गाइस, क्योंकि ये अपनी पूंछ से भी तैर सकती है और प्रोपेलर की हेल्प से भी तैर सकती है। फिर भी देखो आरसी हिप्पो इसको काफी आसानी से खींच रहा है और ये हिप्पो ने इसको हरा ही दिया है गाइस टगोफोर में। गाइस ये शार्क काफी तेजी से तैर सकती है, अब देखते हैं क्या हिप्पो ये आरसी शार्क को हरा पाएगा या फिर नहीं। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये देखो गाइस दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। शुरुआत में तो आरसी शार्क ने बहुत ज्यादा तेजी से हिप्पो को खींचने के लिए ट्राई किया था, पर अपना हिप्पो तो भाई काफी ज्यादा बाहुबली टाइप निकला। देखो इसने तो शार्क को ही खींच लिया है अपनी तरफ और मेरे को नहीं लगता गाइस ये शार्क इसको हरा पाएगी। देखो ऑलमोस्ट आधी शार्क जो है पानी के अंदर डूब चुकी है और हिप्पो ने इसको भी हरा ही दिया है। फाइनली ये आरसी क्रोकोडाइल ने हिप्पो को रेस में तो हरा दिया था, अब देखते हैं गाइस क्या टगोफोर में हिप्पो इसको बदला ले पाएगा या फिर नहीं। लड़ाई चालू हो चुकी है। ओह नो गाइस यहाँ पे देख रहे हो अपनी जो क्रोकोडाइल है भाई ये हिप्पो के ऊपर भारी पड़ चुकी है। ये हिप्पो को देखो गाइस वहां तक खींच के भी लेके जा चुकी थी, वापस खींच के भी इधर तक लेके आ रही है। इसका मतलब ये है कि क्रोकोडाइल हिप्पोपोटामस से तेज भी है और पावरफुल भी है। ओ माय गॉड मेरे को लगा था गाइस ये हिप्पो जीतेगा, पर सैडली देखो हमारी जो क्रोकोडाइल है ये आज सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा तेज बन चुकी है। पर गाइस ये हिप्पो को आप कम मत समझना भाई, इतनी ज्यादा यूनिक चीज मैंने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं देखी है। बाकी गाइस ये दोनों में से आपको सबसे ज्यादा बेस्ट कौन लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चलो आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। पहला नाम है तेजस, मनिंदर, गुरविंदर, सलमान, अंकित, पुनीत, रफीक, अजीत, पवन, अदनान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट ये वीडियो पे कर देना लाइक, नीचे कमेंट कर देना गाइस। बाय बाय।